स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे क्यूब सैट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं ये क्यूब सैटेलाइट होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये पूरा तरीके से नया सोच है अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष को हम लोग अभी तक जैसे इस्तेमाल करते आ रहे थे, यानी कि मतलब जो समझिए 1970 से स्टार्ट करके 2000 तक, उसमें आइडिया ये था कि मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो नासा हो चाहे वो इसरो हो, वो अपना एक प्रोटोटाइप बनाएगा कि मतलब मेरे को ये चाहिए ये करें, और उसके हिसाब से रॉकेट को किया जाएगा। ये उससे एकदम अलग तरीके का सोच है और इसका स्टैंडर्ड बनाया गया। मतलब क्यूब सैट जब आप बोलते हैं ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि आप ये क्यूब सैट बोल रहे हैं या वो क्यूब सैट बोल रहे हैं, आप एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। जैसे यूएसबी आप बोलते हैं तो यूएसबी एक स्टैंडर्ड है, वैसे ही क्यूब सैट एक स्टैंडर्ड है जो 1999 में बनाया गया और कैलपॉल यूनिवर्सिटी से और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के दरमियान इसका सारा चीज मतलब ये किया गया कि सॉलिडिफाई किया गया कि ये स्पेसिफिकेशन होगा। तो इसके जो यूनिट बनाए गए, जो क्यूब सैट का एक्चुअल यूनिट होगा, वो होगा यू में नापा जाएगा, यानी कि यूनिट में। तो उसका वन यूनिट का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी इस तरह का एक बॉक्स बनेगा। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर का मतलब वॉल्यूम जो है इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही होगा, बाहर नहीं जा सकते। तो और इसका वजन पे भी लिमिट लगाया गया, वो है 1.3 किलोग्राम। मतलब इसमें आप 1.3 किलोग्राम से ऊपर ले गए तो कोई भी आपका लॉन्च प्रोवाइडर जो है कैंसिल कर देगा। तो यही समझिए कि यूनिट बनाया गया कि ये है। और फिर अब आप बोल दोगे कि यार मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर फिट नहीं होता है, 15 सेंटीमीटर में होता है, तब क्या करेंगे। तो आइडिया ये बनाया गया था कि इसको एज ए यूनिट है ना, तो अटैच करें, जैसे लेगो को आप लोग रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो वैसे ही आइडिया है कि मान लिया आपको थोड़ा लंबा चाहिए, कोई टेंशन नहीं, बस 2U बना दो। तो 2U में आप एक इसी यूनिट को ऊपर लगा लीजिएगा, साइज आपका वही रहना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो वैसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको चाहिए क्या। तो यही है आइडिया। तो इस आइडिया के पीछे का लॉजिक समझते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। आप ये समझिए कि ये हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है काफ़ी मायने में अटकी हुई थी पीछे आदम जमाने के टेक्नोलॉजी पे, और सही समझ में आता भी है क्योंकि आप समझ रहे हैं आपका लाखों करोड़ों रुपये आप लगा रहे हो, तो आप एकदम टेस्टेड चीज़ चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हर कोई टेस्टेड चीज़ पागेगा तो बनाएगा कौन, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए बोलते हो कि भैया मेरे को एक रेडियो ट्रांसमीटर दो जो स्पेस में काम करता है, लेकिन वो 10 साल तक चलना चाहिए, ठीक है, नया डिज़ाइन तो आएगा ही नहीं ना इसका मतलब। यानी जो पहली बार मतलब कोल्ड वॉर में जो टेस्ट किया गया था, सब लोग वही डिज़ाइन को लेकर भागते रहेंगे क्योंकि कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि भैया मैं रिस्क लेता हूँ ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया था कि एक साइड में करते रहो जिसमें आप टेस्टिंग कर सको, कि जैसे आपको लगता है कि मेरा ये नया रेडियो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या मेरा नया रेडियो मॉड्यूल बहुत अच्छा से काम करेगा, तो बड़े मिशन पे जहां पे फेल होने पे कई करोड़ का नुकसान, कई हज़ार करोड़ का नुकसान होगा, वहां पे एक छोटे में निपटा लो। तो यही आइडिया लाया गया और इस आइडिया का मेन ड्राइविंग फोर्स था कि एडवांसमेंट जो था हर जगह हुआ। हम जब एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब हमारा कंप्यूटर इतना छोटा होगा कि इतने छोटे में बहुत चीज़ कर सकते हैं। मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ कि हमारा रेडियो कम्युनिकेशन भी सुधर गया, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो भी इंप्रूव हो गया, कैमरा एकदम छोटे हो गए, मिनीचराइज हो गए। तो एडवांसमेंट और मिनीचराइजेशन जो टेक्नोलॉजी में हुई तब ये पॉसिबल हो पाया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सोचा नहीं था पहले इसके करने के बारे में, और मतलब कई सारे आदम जमाने के साइंस फिक्शन बुक में है इस तरह का मेंशन, लेकिन बात वही था कि हम लोग कर नहीं सकते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी छोटी हो गई, बैटरी इतनी कैपेबल हो गई, कैमरा इतना छोटा हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन इतना इफिशियंट हो गया कि ये सब अब पॉसिबल हो गया। और इसको एकदम विजुअलाइज करने के लिए किया क्या जा रहा है, वो है कि शिपिंग कंटेनर जैसा था ना, प्रॉब्लम ये था कि शिपिंग कंटेनर जो है पूरी दुनिया को बचा लिया, बिना इसके ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी। क्योंकि बाद जैसे मान लिया आपने बोला कि मेरे को सामान भेजना है, जैसे मान लीजिए यूनाइटेड इंडिया से यूनाइटेड किंगडम भेजना है, ठीक है, अब आप कैसे भेजोगे, नाव में भेजोगे, नाव में भेज रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है कि नाव बीच में कोई कुछ भी कर लिया, या जो लोग ले ही जा रहे थे मर्चेंट्स थे वही ढाप लिया, आप जानो कैसे, और कागज पे जो लिखा हुआ वो तो कागज पे ही, आप रिलायबल कैसे करोगे। तो आइडिया बनाया गया था कंटेनर बना दो और कंटेनर सील कर दो, कि आपको हम बताएंगे भी नहीं कि कंटेनर के अंदर क्या है, मतलब आपको टेंशन भी नहीं लेना है कि मतलब ये कंटेनर उठाइए यहाँ से वहाँ ले जाइए। तो इससे बिजनेस स्टेबल हो गया कि मतलब कंटेनर ले जाने वाले, जैसे चाहे वो आपकी रेलवे हो, चाहे वो आपका शिपिंग सिस्टम हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, उसको कोई लेना देना नहीं है कंटेनरशिप के अंदर क्या है। आपने कंटेनर बताया बस, हाँ कंटेनर का लिमिट है कि मतलब आपको ये कंटेनर जैसे बनाया गया 10 टन का है तो उसके अंदर आप 50 टन दे दीजिएगा तो नहीं ले जाएंगे। लेकिन वैसे ही क्यूब सैट भी वही किया गया कि क्यूब सैट का सीधा मतलब था ये एक कंटेनर है, आप इस कंटेनर के अंदर बनाइए, इस कंटेनर का रूल को फॉलो कीजिए, हम ले जाएंगे, हमको कोई लेना देना नहीं है कि आप इसमें रेडियो कम्युनिकेशन डालते हैं, लेजर कम्युनिकेशन डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, हमको कोई लेना नहीं। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया कि और इससे ये फायदा हो रहा है कि टेस्ट करना है आपको नया, जैसे सोलर सेल टेस्ट करना है, बड़े सैटेलाइट पर आप लगाकर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर फेल हुआ तो बड़ा सैटेलाइट डूब जाएगा, छोटे सैटेलाइट में कर लो। नासा भी इसका इस्तेमाल करता है कई सारे एडवांस प्रोपल्शन में, रेडियो एंटीनास में, ये सब में।
तो ये था इसका लॉजिक कि हमारा टेक्नोलॉजी उत्तम हो गया है, हमारा मतलब मिनीचराइजेशन मतलब अब काफ़ी छोटे में काफ़ी चीज़ कर पा रहे हैं, तब ये सब कही। और कंटेनराइज कर देने से फ़ायदा ये हो गया कि हर कोई बना सकता, मतलब इंडिया में भी कोई बना सकता है, इसरो लॉन्च कर देगा मान लीजिए, फिर कोई ब्रिटेन में बनाता है वो स्पेस एक्स लॉन्च कर देगा, अमेरिका में कोई बनाता है तो ULA उसको लॉन्च कर देगा, तो समझ एकदम कंटेनर हो गया, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो ये काम आखिरकार कैसे करता है, तो सबसे पहले इसका जो पूरे माइंड सेट है कि इसको बनाया कैसे जाएगा, इसका माइंड सेट एकदम डिफरेंट है सैटेलाइट से। सैटेलाइट का एक एक चीज़ एकदम टॉप क्वालिटी का होता है, टॉप टेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, तो उसका प्रोसेसर भी ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जाकर खरीद लें, वो कस्टम मेड प्रोसेसर्स होते हैं। तो यहाँ पे एकदम उल्टा है, हर चीज़ जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, कुछ लोग तो सीधे सीधे आर्ड्रिनो भेजते हैं, यानी कि जो आप लोग पता है ना स्कूल में प्रोजेक्ट में आर्ड्रिनो का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के आर्ड्रिनो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, चके हैं, मतलब हो गया पास्ट टेंस। तो समझ लीजिए कि एकदम ऑफ द शेल्फ पार्ट्स के बारे में बात हो रहा है, कि मतलब आप खरीद सकते हो। सोलर सेल, फैंसी सोलर सेल, इरिडियम सोलर सेल के बारे में बात नहीं है, नॉर्मल सेल आप खरीदिए, बनाइए अपने से कीजिए। और इसका कैपेबिलिटी जो है वो भी एकदम सिंपल होता है, मतलब ये नहीं करेगा कि जैसे वॉयेजर प्रोब है 1970 में बनाया गया था, लेकिन उसमें बहुत चीज़ था, मतलब बहुत सारा, वो ऐसा ये नहीं कर सकता कि हाँ दूसरा प्लैनेट को जाएगा उसको एनालाइज करेगा, उसका एटमोसफेयर एनालाइज करेगा, वैसा नहीं किया, सिंपल चीज़ कर सकता है। और अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल चाहिए कि नहीं मेरे को एंटीना बड़ा चाहिए या मेरा टेलीस्कोप बड़ा है कि मैं अर्थ इमेजिंग कर रहा हूँ, तो आप यूनिट को बड़ा कर सकते हैं। मैंने बताया ये यूनिट है, ब्लॉक बाय ब्लॉक आप अटैच कर सकते हो, तो 3U 6U ऐसे ऐसे करके यूनिट्स बनते हैं। यूनिट का भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि आप 50-60 यूनिट लगा दीजिए एक साथ, लेकिन मतलब यूनिट 3U और 6U जनरली यूज़ होता है। तो 6U का मतलब ये नहीं होता कि 6 यूनिट लंबा है, 6U का मतलब होता है 30 cm x 20 cm x 10 cm, तो वही समझिए, मतलब 2 3U को जोड़ दिया जाता है ऐसे। और इसमें जनरली थ्रस्टर्स नहीं डाले जाते, जो लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल से बना रहे हैं उनको जनरली थ्रस्टर का क्लियरेंस नहीं रहता है थ्रस्टर के लिए, क्योंकि थ्रस्टर आप बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा उसका ट्रेजेक्टरी, गलत ट्रेजेक्टरी पे डाले आप दूसरे सैटेलाइट से भिड़ सकते हैं। और ये सारे चीज़ हो रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे, यानी कि जहाँ पे ISS है, उससे महंगा चीज़ है नहीं इस पृथ्वी पे, तो उसको उसका सेफ्टी के लिए ज़्यादा हुआ करने। हाँ, अब आप कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो या इसरो हो या नासा हो तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उनके पास है डेटा है, रिलायबिलिटी है, तो वही समझ जनरली थ्रस्टर्स नहीं डाले, कोशिश की जा रही है, और आप बड़े कंपनी से इसका बैकिंग है तो आप कर सकते हो। और जनरली फिर ठीक है, आपने सैटेलाइट भेज दिया, आप उसको ओरिएंट कैसे कीजिएगा कि भाई मान लीजिए आपका काम था धरती का फोटो खींचना, आपने सैटेलाइट फेंका, जनरली ये सबको लॉन्च करने के लिए यहाँ सीधा स्प्रिंग से छोड़ दिया जाता है, स्प्रिंग मतलब एक डब्बा रहता है, डब्बा का ढक्कन खुला, स्प्रिंग से बाहर फेंका गया। अब ठीक है, जब वैसे बाहर चला गया तो उसको ओरिएंट कैसे कीजिएगा, तो ओरिएंट करने के लिए जनरली जायरोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी इसमें कभी कभी किया जाता है, लेकिन जनरली इसमें मैग्नेट टॉर्कर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह का दिखता है। होता क्या है कि क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट पे काम कर रहे हैं, वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो काफ़ी तंदुरुस्त है, तो उस पर रिएक्शन करके मतलब वो फील्ड जा रहा है, जैसे आप तो कहते हैं ना मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ कैसे अलाइन करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। ये बहुत एक्यूरेट नहीं है लेकिन काफ़ी है, मतलब काम हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल करके मतलब बैटरी से ही काम हो जाता है, और चूंकि इसमें कोई हिलने वाला पार्ट नहीं है तो ये टिकता भी बहुत है। तो मैग्नेट टॉर्कर और जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो समझ लीजिए जैसे मान लीजिए 6U सैटेलाइट है और आपको कुछ लेज़र के साथ काम करना, लेज़र को प्रिसीजन चाहिए, तो ये उतना प्रिसाइसली आपको कंट्रोल करने नहीं देगा, तो जायरोस्कोप इस्तेमाल किया जाएगा। तो या मान लीजिए आप कुछ ऐसा सैटेलाइट रखें जो लंबा टाइम तक टिके तो उसको थ्रस्टर चाहिए, तो वही समझिए मतलब आप अपना कर सकते हो। तो अगर ये सब चीज़ कर ही ले रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेट भी कर सकता है, मतलब फोटो भी खींच सकता है, डेटा भी एनालिसिस, तो इसमें एक लिमिट क्या है? लिमिट जो इसका सबसे बड़ा बात है कि ये टिकता नहीं है, बनाने टाइम ही ये आपको पता रहेगा कि बहुत अच्छा अगर आपका किस्मत रहा तो ये 2 साल चलेगा, जहाँ कि देखिए अगर हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो 10 साल का मिनिमम लेके चला जाता है कि 10 साल से पहले नहीं कुछ होगा। और GPS सैटेलाइट है, ये सब तो कई सारे सैटेलाइट अभी तक चल रहे हैं 15 साल से पुराना, और जैसे वॉयेजर प्रोब का बात करूं जो मतलब सबसे दूर गया है वो मतलब करीब 40 साल से चल रहा है, तो ये वैसे नहीं है, ये ऑफ द शेल्फ पार्ट है, तो उसका कीमत भरना पड़ता है। हाँ, आपका दाम बहुत कम हो गया, कई 1000 करोड़ के जगह पे आपका कुछ करोड़ में बन गया, लेकिन ये कुछ करोड़ जैसा ही पार्ट रहेगा, यानी कि टिकता नहीं है। इसको लॉन्च करने के बाद मतलब सब लोग को पता रहता है, जो भी लॉन्च किया है, जो भी इसके यूजर्स होंगे उनको पता है कि भैया 2 साल में खत्म हो जाएगा। इसीलिए मतलब जो इलॉन मस्क अपना इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहे हैं वो क्यूबसैट नहीं इस्तेमाल कर रहे, उनका एक अपना बड़ा स्टैंडर्ड बनाए ताकि वो टिके, सैटेलाइट टिके मतलब ऑर्बिट में, उनका मतलब टारगेट है 5 से 10 साल। तो यही समझ लीजिए कि आप सोच रहे हैं क्यूबसैट हम बना के सब चीज़ कर लें, काफ़ी चीज़ किया जा सकता है, लेकिन आपके डिज़ाइन में ये होना चाहिए कि वो 2 साल के अंदर खत्म हो जाए, और जनरली 1 साल ही मान के चला जाता है। और ये सब लो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण है कि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो जल्दी जल्दी गिर जाता है। तो ठीक है,
ये आइडिया हो गया क्या है कैसे है, तो हम लोग इसे करते क्या, मतलब अभी जो जैसे आपको पता है इंडिया 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया था वो क्यूब सैट थे, तो किया क्या जा रहा है जो हज़ारों लोग लॉन्च कर रहे हैं हर जगह, आपको हर जगह मिल जाएगा कि ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो इसे किया क्या जा रहा है। तो आप समझिए करने में आप करना क्या चाहते हैं उसमें दो मेन लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है कि पावर, क्योंकि मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर तो इतने में छोटे मेरे डालोगे नहीं, तो पावर आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, तो सोलर पैनल, तो आप देख सकते हैं कि जनरली फोल्डिंग डाला जाता है ताकि ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और एनर्जी मेन लिमिटेशन है कि बहुत चीज़ आप करना चाहते हो, जैसे आपका मोबाइल फोन है बहुत पावरफुल है लेकिन इसमें उतना पावर है नहीं, आप बोले कि इतना बड़ा सोलर पैनल स्पेस में भी होने के बाद भी आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट देखना पड़ता है, प्लस ये सब आप तो वो हाई ग्रेड वाला सोलर सेल इस्तेमाल थोड़े करेंगे जो 50,000 रुपये पर वाट आता है, तो इसी कारण से ज़्यादा पावर नहीं होता। तो फिर और प्लस ये भी आपको देखना है पावर कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, उससे बैटरी भी तो चार्ज कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन भी तो कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल थोड़े चला रहे हैं या सिर्फ कैमरा नहीं चला रहे हैं, बहुत सारा करने के बाद आपको पता चल गया ज़्यादा पावर आपके पास है नहीं, और पावर है तो बल्ले बल्ले, या तो इफिशियंट चीज़ इस्तेमाल कीजिए या ज़्यादा पावर के लिए फोल्डिंग डाल दीजिए। जैसे ये डव सेट है जो इंडिया लॉन्च किया था, यह एक मतलब इसमें एक टेलीस्कोप है, ये 3U यूनिट है, एक छोटा मतलब समझिए शुरू का हिस्सा में टेलीस्कोप है, पीछे एक स्टार ट्रैकर है, ये मतलब ये जो ऐसे जो फोल्डिंग खुला हुआ है या खुलता है इसमें सोलर सेल्स है, और इससे अर्थ इमेजिंग किया जाता है, और ये मामले में ये सैटेलाइट्स एकदम बम बम सक्सेसफुल हो गए। स्टार्टिंग में जब क्यूसैट किया गया था तो टेस्टिंग के लिए था, मतलब रिसर्चर्स को ट्रेनिंग देने के लिए था, मतलब यूनिवर्सिटी में लोग अपना बनाए भेजे, जैसे IIT में आप सैटेलाइट बनाइए और उसको भेज दीजिए, मतलब बार बार आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम इसरो में काम कर रहे हैं, मतलब 50 साल बाद जाकर आपको मौका मिला कुछ काम करने का, नहीं मतलब यूनिवर्सिटी से ही ऑन द साइट ट्रेनिंग समझ लीजिए, ऑन स्पेस ट्रेनिंग समझ लीजिए। तो इसका अब जो है मार्केट में इस्तेमाल बहुत होने लगा क्योंकि अर्थ इमेजिंग का बहुत डिमांड है। तो आप बोलेंगे अर्थ इमेजिंग का क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे आग लग गया जंगल में खास करके, जब तो उसको सैटेलाइट से सबसे बढ़िया आपको दिखेगा कि कहाँ पे हो रहा है, कितना आग लग रहा है। फिर जैसे मान लीजिए माइनिंग ऑपरेशन है, खदानिंग किया जा रहा है, खास करके जो ओपन पिट होता है जिसमें मतलब खुले में किया जाता है, कितना खत्म हुआ, कहाँ तक हुआ है। डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि मान लीजिए कहीं जंगल है और उसमें आपने मतलब आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ डिफॉरेस्टेशन है लेकिन कोई कर रहा है डिफॉरेस्टेशन, कैसे देखिएगा, सैटेलाइट से बढ़िया कुछ ऑप्शन है, क्योंकि अगर वहाँ किसी को भेजे तो उसको थोड़ा सा खिलाया जा सकता है। तो समझ लीजिए कि ये बहुत इसका डिमांड है, मतलब बम बम डिमांड है। तो मतलब इससे स्टॉक मार्केट तक आप कंट्रोल करने लगा कि मतलब जैसे माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है और उन पता है कि ये माइन है कोयले का और देखते आ रहे कि भाई 4-5 दिन से ये माइन मतलब अब एज पे आ रहा है, तो उनको पता है ये माइन का आउटपुट कम हो जाएगा तो दाम बढ़ने लग जाता है। तो समझ लीजिए कि बहुत डिमांड है इसका, सिर्फ ऐसा नहीं कि गूगल अर्थ खरीदता है, लोग दबा के खरीदते हैं। और इसका वेदर मतलब वेदर एनालिसिस के लिए, सी लाइफ एनालिसिस के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए खूब एकदम दबा के लोग इसके पड़े हुए हैं, इसीलिए इसको मतलब इस कंपनी को इतना डिमांड मिलता रहता है। कि भैया और ये लोग 100 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, मतलब टोटल इनका उतना है, और हर कुछ साल मतलब कुछ साल क्या हर साल ही का ये नया लॉन्च करते हैं, इनको पता है मतलब सैटेलाइट इनका अपने आप डी ऑर्बिट हो जाएगा। और ये तो हुआ हमारे यूज़ के लिए। दूसरा एक और यूज़ है जो स्पेस वेदर एनालिसिस, जो थर्मोस्फीयर होता है, मैंने नीचे वीडियो दे दिया, मैं आपको कहूँगा कि देख लीजिए तो आपको उसमें थोड़ा डिटेल आएगा कि स्पेस का वेदर एनालाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए GPS किसी कारण से गया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ GPS गया, सब चीज़ चला जाएगा, यानी कि स्टॉक मार्केट तक लग जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट घड़ी GPS की घड़ी पर चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि GPS को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और सब देशों के लिए, इसीलिए GPS के इतने सारे बैकअप बनाए जा रहे हैं, जैसे इंडिया अपना नाविक बना रहा है, यूरोपियन यूनियन अपना बना रहा है गैलीलियो सिस्टम बना रहा है, रशिया अपना ग्लोनेस बना है, ये सब रखे गए क्योंकि एक ने अब अंतरिक्ष में कुछ हो गया तो ये सब के सब एक साथ चले जाएंगे ना, यानी कि सोलर इवेंट होने पे या तो मतलब मैग्नेटिक स्टॉर्म आने पे, तो ये सब को मैनेज करने के लिए आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा। जैसे ये कहते हैं ना कि वेदर एनालिसिस करने के लिए आपको वहाँ वेदर स्टेशन चाहिए, स्पेस में क्या कीजिएगा, तो ये सब बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है अभी उसके लिए। मतलब पहले गेस कर सकते हो, और सैटेलाइट बहुत दूर होता था, मैग्नेटिक स्फीयर के अंदर नहीं चलता था, मैग्नेटिक स्फीयर को जनरली मतलब माना जाता है कि 100 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के अंदर होता है, तो इस रेंज में नहीं होते थे सैटेलाइट। अब ये सारे सैटेलाइट उसी रेंज के अंदर 1000 से ऊपर जा नहीं सकते, तो इसी कारण से एकदम बढ़िया से हाई रेजोल्यूशन डेटा मिल जा रहा है। तो बहुत चीज़ है, मतलब ये दो मामले में ये इससे बेटर तो औजार ही नहीं है अर्थ इमेजिंग, क्योंकि ये सब इतने जल्दी ऑर्बिट मारते हैं, ये डेली फोटो खींच लेते हैं, और मतलब वेदर एनालिसिस। हाँ, ये मत सोचिए कि एक इंसान को खींचा, इसका रेजोल्यूशन है मतलब एक मतलब पिक्सल आप लीजिएगा तो एक पिक्सल 3 मीटर का एरिया देख सकता है, तो मतलब इसे आदमी नहीं दिखेगा, बहुत हुआ तो झुंड दिख जाएगा आपको, गाड़ी भी ठीक से नहीं दिखता है। तो और ये हुआ, मैंने आपको बताया कि ये सब लो अर्थ ऑर्बिट पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है, भविष्य में और अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो धरती से बाहर जा चुके हैं। जैसे कि ये मार्स का एक मिशन था, ये क्यूबसैट भेजा गया था, मतलब ये सब ऑब्वियसली फोल्ड हो जाता है, ये 6U का सिस्टम था,
और आइडिया ये था कि जब मार्स का जो इनसाइट लैंडर जब लैंड करेगा तो लैंडिंग के दरमियान वो जब प्लाज्मा से जाता है रेडियो सिग्नल ठीक से नहीं पार करवाता, तो ये दोनों जो रहेंगे ये बाउंस करेंगे सिग्नल को, कि ये सिग्नल अर्थ की तरफ बाउंस कर देंगे। और ये सब बहुत सस्ता है जनरली ऐसा करने के लिए, जैसे आपको पता है मतलब भारत जब अपना चंद्रयान मिशन किया कि एक ऑर्बिटर को रखा ऑर्बिट पर और एक लैंडर को भेजना है ताकि कम्युनिकेशन हो सके, तो अब ये मतलब ऑर्बिटर बहुत महंगा पड़ता है, क्यूबसैट चिल्लर छोटा में बन जाता है। तो वही नासा भी अब यही ट्राई कर रहा है कि ये सब मतलब एक ऑर्बिटर की जगह पर यही सबसे काम निपटा लो। तो ये टेस्टिंग था, सक्सेसफुली काम किया। हाँ, और इसको मतलब ये मैंने आपको बताया, ये हर चीज़ आप सोच लीजिए लेकिन ये चीज़ का सबसे बड़ा लिमिटेशन था, टिकता नहीं है। नासा भी अपना आराम से किया, काम किया, ये सब समझिए डिस्पोजेबल यूटिलिटी की तरह देखा जाता है, कि मतलब जैसे लिखो फेको पेन की तरह। तो अपना ये लैंडिंग किया, थोड़ा डेटा दिया, टेस्टिंग हो गया कि हाँ 2 साल तक मतलब इसका स्पेस में रह सका, डीप स्पेस में सब हो गया। ये एंटीना पे टेस्टिंग था मेन, कि मार्स से कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा मतलब फजीहत वाला चीज़ है, तो काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है मतलब, और मून के लिए भी काफ़ी सारे मिशन प्लान किए गए हैं। और फिर इसको आप ये समझिए टेस्ट बेड, तो इस सबसे मतलब इसका बेनिफिट यही हो रहा है कि ये टेस्ट बेड है, कि मतलब आप 10 इंजीनियर को बोलिएगा जो सैटेलाइट पे काम करते हैं, 10 ही इंजीनियर हैं आपके पास, 10,000 इंजीनियर अगर आ जाते हैं आपके पास तो ऑब्वियसली 10,000 आइडिया आएंगे। और वही किया जा रहा है क्यूबसैट से, ताकि सारे इंजीनियर्स डायरेक्टली कुछ बना सके जो स्पेस में टेस्ट करें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा यार मेरे को लगता है ये प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, आप लगाए डिज़ाइन किए टेस्ट किए और आपको सब चीज़ सही लगा, बहुत बढ़िया बात है, आपको एक नया टेक्नोलॉजी मिला, लेकिन मान लीजिए गलत हो गया कि थर्मल हीटिंग ज़्यादा हो रहा था, थर्मल मैनेजमेंट नहीं काम कर रहा है, आप एक चीज़ सीखे। ऐसा नहीं कि मतलब जॉब पे जब करने लगे, जब इसरो के लिए सैटेलाइट बनाने लगे या डारपा के लिए सैटेलाइट बनाने, तब आपको कोई सीनियर बताए कि ये मतलब गड़बड़ कर रहे हो, तो समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा, जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग से बेटर कुछ नहीं होता ना, ये वैसा ही है। तो टेक्नोलॉजी के लिए इससे बेटर तो कुछ है नहीं। फिर इसका जो मैंने बताया कि अर्थ इमेजिंग के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट हो रहा है, स्पेस वेदर के लिए काफ़ी डिमांड है इसका, तो ये सब स्वार्म टैक्टिक्स पे चलता है, यानी एक नहीं लॉन्च करेंगे, ये जैसे ISS के बाहर लगाया गया है, मतलब ISS में भेजिए और वो लोग बाहर स्प्रिंग से छोड़ देंगे, तो वो सब एक दो पे कभी नहीं करते, उनका काम है 10-12 ठो 50-60 ठो या 100-150, मतलब कुछ कुछ प्लान है जिसमें 1,000 या 12,000 ठो लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये सब बहुत जल्दी डीऑर्बिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ उतना टाइम तक रुके रहेंगे, लेकिन इससे बहुत चीज़ किया जा सकता है। ये बात आप ज़रूर समझिए कि अगर स्वार्म का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत चीज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्यूबसैट के बारे में, उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं ऐसा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट के जवाब देता हूँ, और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो, आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।